जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा दहली आवृत्ति तथा दहली तरंगदैर्ध्य। इन्हें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से हमें दहली तरंगदैर्ध्य तथा दहली आवृत्ति के बारे में बताइए। तो इसका संबंध सीधे-सीधे प्रकाश वैद्युत प्रभाव से होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि कोई धातु की प्लेट है और जब इस पर कोई हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो अब इसमें दहली आवृत्ति क्या है? तो अब ये जो प्रकाश, ये है, ये प्रकाश है किसी धातु, ये है हमारी धातु की प्लेट और ये है हमारा प्रकाश, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो जब धातु की प्लेट पर प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो अब बात आती है कि दहली आवृत्ति क्या है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करने से प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, दहली आवृत्ति कहलाती है। यानी कि दहली आवृत्ति प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति होती है कि अगर आपने इससे कम और आवृत्ति की तो अब धातु की प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। जैसे कि अभी क्या है कि आप एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हो, तो अगर इसकी आवृत्ति इतनी कम, सबसे कम आवृत्ति जो होती है जिस पर प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं दहली आवृत्ति। अगर आपने इस दहली आवृत्ति से भी कम कर दी आवृत्ति तो फिर उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु की प्लेट पर डालेंगे और उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होंगे उसे कहते हैं दहली आवृत्ति। बात आती है, इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं न्यू और जीरो का मतलब नॉट, न्यू नॉट। अब बढ़ते हैं दहली तरंग दैर्ध्य की ओर। दहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की प्लेट पर आपतित करने से धातु की प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, दहली आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे ज्यादा आवृत्ति, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, मान ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होती है कि अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य जिससे धातु की प्लेट पर डालने से कोई प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता उसे कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। दहली तरंग दैर्ध्य प्रकाश की वो तरंग दैर्ध्य होती है, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है कि जिससे अधिक प्रकाश, अधिक का प्रकाश आपतित करेंगे, जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करेंगे तो उससे कम आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा उसे कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। इसे हम लैम्डा नॉट से दर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन बी आपका न्यू नॉट। सी है प्रकाश की चाल और न्यू नॉट है हमारा दहली आवृत्ति। एक बार दोबारा देख लेते हैं दहली आवृत्ति क्या होती है। तो जब किसी धातु की प्लेट पर हम प्रकाश डालते हैं वो कम से कम आवृत्ति कि जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश और डालेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे वो कहलाती है दहली आवृत्ति। और दहली तरंग दैर्ध्य उसे कहते हैं कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य कि इससे अधिक और तरंग दैर्ध्य हम डाले करेंगे प्रकाश की तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इसे कहते हैं हम आपका दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य।